हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, जिसमें क्या क्या फीचर आते हैं और क्या क्या इसमें दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे टाटा पंच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या दिया गया है, आइए शुरू करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। आपको ये यहाँ पे दिया जाता है टैकोमीटर, और इस साइड दिया जाता है आपको स्पीडोमीटर, और बीच में आपको एक MID दी गई है, इसमें जो कि ये फुली डिजिटल है। इसमें आपको कई तरह के मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलते हैं टाइम, जिसे हम सेट कर सकते हैं। ये आपको मिलता है कि कितना फ्यूल है गाड़ी में, और यहाँ पे आपको मिलता है टेम्परेचर, और यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिप। ट्रिप ए इस समय है यहाँ पे, और दूसरा मिलता है ट्रिप बी। तो आइए इसको चेंज करके देखते हैं कि ये क्या क्या इसमें फीचर और दिए गए हैं। ये आप यहाँ पे दोनों दिए गए हैं मोड, जिससे हम चेंज कर सकते हैं। ये ट्रिप ए, ये ट्रिप बी है। ये आपको शो करता है कि जो भी आपकी करंट जो एवरेज है, और आपकी गाड़ी में जितना फ्यूल है उसे कैलकुलेट करके बताता है कि आपकी गाड़ी कहाँ तक जाएगी। और ये है आपका टेम्परेचर, बताता है कि गाड़ी का टेम्परेचर कितना है, और ये बता रहा है कि आपकी सर्विसिंग कितनी दिन बाद होनी है। जो मेरी सर्विसिंग है ये मार्च में होनी है, तो कि रिमाइंडर में दिखा रहा है कि 21 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद मुझे कराने हैं। ये है ट्रिप आपका ए, ये है ट्रिप बी, और ए में कितनी चली है, बी में कितनी चली है, इसकी एवरेज कितनी है, ये ट्रिप में बताता है। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, ऊपर वाली जो रिंग है ये है फ्यूल की, गाड़ी में कितना फ्यूल है ये बचलता है। और जो ये नीचे वाली रिंग आपको दी गई है, ये आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी बताता है। ये जितना भी ऊपर जाएगा यहाँ तक, यानी आपकी एवरेज उतनी अच्छी निकल के आएगी, और ये जितना नीचे रहेगा उतना आपकी एवरेज ख़राब निकल के आएगी। तो जब हम एक्सेलेरेटर को धीरे धीरे स्लोली प्रेस करते हैं, तो ये वाला ग्राफ ऊपर जाता है, इससे पता चलता है कि हमारी एवरेज अच्छी जा रही है। और यहाँ पर आपको ट्रिप ए का, आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ट्रिप ए का यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस कितना है और इसका एवरेज कितना है, ये दिया गया है। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं ट्रिप बी की, जो कि यहाँ पे आपका 12 किलोमीटर दिखा रहा है पर लीटर एवरेज, और इसका ट्रिप बी में 407 किलोमीटर दिखा रहा है। और ये है आपका ओडोमीटर, जो कि 7316 किलोमीटर हमें शो कर रहा है। और इस साइड के जो बटन दिए गए हैं, यहाँ से भी हम बहुत सी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इसको हमने दबाया तो ये हमें दिखा रहा है इमुलेशन सेट, यानी जो इस गाड़ी की जो ये लाइटिंग है इसके पावर के बारे में दिखा रहा है, कि ये हम इसको घटा बढ़ा सब सकते हैं। देखिए ये हो गया 4, 3, 2, 1, ये ज़ीरो नहीं होता, फिर 1, फिर 1 से 2, फिर से 3, फिर से 4, फिर से 5। ये 5 इसका हाईएस्ट है, ये डिफ़ॉल्ट में 4 सेट होकर के आता है। और अब आपको हम दिखाते हैं और चीज़, ये है घड़ी के बारे में, जो हमारे स्टीम क्लस्टर वॉच दिए है उसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कि हमें जो भी टाइमिंग करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, और आपको हम और दिखाते हैं इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ये मिशन लाइट हो गया, ये 3, 4, 2, 1, ये 3, फिर ये 4। ठीक है, अब इससे हम प्रेस करेंगे, ये हमारा टाइम शो कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा शो कर रहा है। आई होप आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर हमें कुछ और भी पता चलता है क्लस्टर के बारे में, तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे।
ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।